बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा मुनीर और लेक्चर सीरीज में आपको वेलकम करती हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स को डील करेंगे, जिसके टोटल 13 चैप्टर हैं अकॉर्डिंग टू पंजाब टेक्स्ट बुक। तो आज जो है वो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बुक का इंट्रोडक्शन जो है वो जरूरी है। तो बुक में टोटल आपके पास 13 चैप्टर हैं, जिसमें से फर्स्ट 6 चैप्टर्स में आपने अलजेब्रा स्टडी करना है, जबकि बाकी 13 तक जितने चैप्टर्स होंगे उसमें आपने ज्योमेट्री को स्टडी करना है। तो आज के इस फर्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे नए आने वाले व्यूअर्स और स्टूडेंट से गुजारिश है, लेक्चर सीरीज को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। अपने प्यारे दोस्तों के साथ, अजीजों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो मैट्रिक लेवल के इन वीडियोस से फायदा उठा सके। तो चैप्टर नंबर 1 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में है। स्टूडेंट्स की ये कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हमें उर्दू में भी पढ़ाया जाए, तो मैंने इस लेक्चर को जो है वो उर्दू में भी साथ ही डिलीवर करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप उर्दू में कहते हैं दो दर्जी मसावात, ठीक है। तो दो दर्जी मसावात को सीखने से पहले आपको मसावात का पता होना चाहिए कि मसावात क्या है। इंग्लिश में से इक्वेशन बोलते हैं, तो इक्वेशन क्या है? एनी एक्सप्रेशन विच कंटेन्स इक्वालिटी, मीन्स किसी भी जुमले में, किसी भी एक्सप्रेशन में जब आपके पास इक्वालिटी का साइन, ये जो इक्वालिटी का साइन है ये कहीं भी आपको नजर आ जाए तो वो इक्वेशन कहलाती है। तो ये जुमले की बात की है, एक्सप्रेशन की, जुमले की बात की है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में, उर्दू लैंग्वेज में हम जो है लफ्जों को मिला के सेंटेंसेस बनाते हैं, जुमले बनाते हैं, इसी तरह मैथमेटिक्स में भी जब हम 2, 3, 4 नंबर्स को मिला के प्लस माइनस ऑपरेशंस यूज करते हुए जब लिखते हैं, जैसे 2x + 5 + 1, तो ये जुमला बन जाता है। अब जुमले के अंदर जब आपके पास इक्वालिटी का साइन आएगा, इक्वल का साइन आएगा, तो ये क्या बन जाएगा? आपकी इक्वेशन बन जाएगी, जिसे मसावात बोलते हैं। अब दो दर्जी मसावात की तरफ आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है ऐसी मसावात जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट से हाईएस्ट पावर जो है वो 2 हो, मींस कि मैक्सिमम पावर आपके पास 2 होनी चाहिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है x² + 2x + 1 = 0। यहां पर देखें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 है, यहां पर 1 है, तो बड़ी कौन सी हुई? 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, जिसे मुयारी शक्ल कहते हैं, तो मुयारी शक्ल इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है ax² + bx + c = 0। यहाँ पर x² के साथ जो a है वो है कॉफिशियंट, उर्दू में अददी सर बोलते हैं। x² का जो कॉफिशियंट है उसको हमेशा आप a का नाम देंगे, x का जो कॉफिशियंट है उसको हमेशा आप b का नाम देंगे, ये भी अददी सर कहलाता है। और ये जो कि इसके साथ कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं है, x, y, z में कोई फॉर्म इस तरह की मौजूद नहीं है, तो इसे कांस्टेंट कहेंगे, उर्दू में इसे मुस्तकिल मिकदार कहते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास कितने मेथड्स हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास आपकी बुक में 3 मेथड्स डिस्कस किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है फैक्टराइजेशन, फिर है कंप्लीटिंग स्क्वेयर, फिर है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फैक्टराइजेशन का वर्ड जो है वो फैक्टर्स से निकला है। फैक्टर्स में क्या करते हैं? आप पार्ट्स बनाते हैं, उर्दू में से तज्जी भी कहते हैं। तज्जी जुज से निकला, जुज का मतलब भी पार्ट्स बनाना, हिस्से करना है। तो जब हम फर्स्ट एक्सरसाइज पे आएंगे तो इंशाल्लाह फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। इसी तरह कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, इसमें आपने स्क्वायर को कंप्लीट करना होता है और उसके थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। देन हमारे पास आ जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, दो दर्जी फार्मूला, इसमें आपने ये फार्मूला यूज करना होता है x = -b + √b² - 4ac/2a। ये फार्मूला आप यूज करते हैं। अब एक्सरसाइज 1.1 की तरफ चलते हैं। दिस इज एक्सरसाइज 1.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने पूछा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें और ये बताएं कि वो प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म है या फिर स्टैंडर्ड है। तो प्योर फॉर्म क्या होती है? खालिस शक्ल। अब क्वाड्रेटिक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि ax² + bx + c = 0, इसके अंदर अगर हम b की वैल्यू 0 पुट कर दें तो ये हमारे पास रिड्यूस होकर क्या बनती है? ax² + c = 0। इसको प्योर फॉर्म कहते हैं। अगर इस तरह की शक्ल होगी तो आपने लास्ट में बताना है कि ये प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन में देखें कि यहाँ पर आपको दो फैक्टर्स हैं दिए हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट को पिक करना है तो आपने इन सबके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर सेकंड को पिक करके इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो x * x, x² - 3x
माइनस थ्री एक्स, सेवन एक्स और सेवन थ्री इज आर 21 और माइनस भी आएगा, ये माइनस सेवन इधर आके प्लस सेवन हो जाएगा, ये सेवन में से थ्री निकालें तो फोर, सब्ट्रैक्ट करने के बाद फोर एक्स आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस 21 और ये प्लस हो गया सेवन इज इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस करने के बाद 14। अब देखें बड़ी रकम के साथ माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस शो करेंगे, तो देखें स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ अगर इसका कंपैरिजन करें तो ये वही शक्ल है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म की है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है।